हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी स्कूल जाने वाले लड़कियों के दो ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। आप कॉलेज गर्ल्स हो तो भी ये ट्राई कर सकते हो, वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है जो सेकंड चैनल है। मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज देखने को मिलेंगी, तो मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो देखने के लिए प्रीति तिवारी 2 चैनल पर जरूर जाइए और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को भी लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है डमी, इन पे मैं बताऊंगी हेयर स्टाइल। तो पहले आपको दोनों साइड से इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेना है, सॉरी दोनों साइड से नहीं, इस तरीके से हेयर लेना है फ्रंट का। आप देख सकते हैं दूसरी वाली जो आईब्रो है वहाँ से लेना है, फिर इसी के सेंटर में फिर एक सेक्शन लेना है, उसको दूसरी साइड छोड़ देना है, फिर अगेन एक सेक्शन लेंगे उसको इस साइड लेके आएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरा एंड तक आपको लेके जाना है, नीचे तक बैक पार्ट तक। इस तरीके से पूरे बालों में सेंटर में से क्रॉस करेंगे बालों को, एक लेयर इधर एक लेयर उधर ऐसे करके ले लेंगे। फिर जो फ्रंट का लेयर था उसको पकड़ेंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो उल्टी फ्रेंच चोटी होती है यहाँ पे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर इसमें ऐड करते जाएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा, कोई मांग नहीं निकलेगी बीच में, जो कि बहुत स्टाइलिश लगेगा। बिल्कुल नया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी बच्चियों पर, जिनका भी हेयर थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वालों पर बहुत अच्छा लगेगा, छोटे वालों पर भी आप ट्राई कर सकते हो और मीडियम लेंथ पर भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आपको लेते जाना है। दूसरी साइड जो हमने लेयर छोड़ा था उसको नहीं पकड़ना है, जो इस साइड लेयर है सिर्फ उन्हीं को पकड़ के यहाँ पर चोटी बनानी है हमको। अब ध्यान से देख लीजिए, इस साइड के लेयर को मैं इधर छोड़ दूंगी, फिर दूसरा लेयर लूंगी और इसके साथ मिक्स करूंगी और बहुत प्यारा लगेगा। एंड में फाइनल लुक भी दिखाया हुआ है तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सेकंड जो चैनल है वो भी बहुत सॉरी सेकंड जो हेयर स्टाइल है वो भी बहुत प्यारा है, वो भी देख लीजिएगा। जिस स्कूल में डबल चोटियाँ अलाउ होती हैं, जैसे डबल चोटियाँ ही बनानी होती हैं, उन पे ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा, डिफरेंट लगेगा, सबसे अलग एंड यूनिक दिखेगा और जल्दी जल्दी बना भी लोगे आप। बस इसमें थोड़ा सा किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, खुद से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा गाइस। तो इस तरीके से इस साइड की चोटी को मैंने कंप्लीट किया है। अब देखिए एंड पार्ट में नीचे से इस तरीके से उधर के हेयर छोड़ दिया और नीचे का हेयर लेके मिक्स कर दिया है अपनी फ्रेंच चोटी में। अब इसी तरीके से पूरी ब्रेड को बना लेंगे, ब्रेड को और चोटी पूरी एंड तक गूँथ लेंगे, जितना भी आपको लंबा बनाना है। अगर शॉर्ट हेयर है, हेयर लेंथ तक हेयर है, तो यहीं पे आप रबर बैंड लगा दीजिएगा तो भी बहुत प्यारा लगेगा। एंड लॉन्ग हैं तो आप पूरा नीचे तक चोटी को गूँथ सकते हो। छोटे बालों में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए भी ये दोनों हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो और लंबे बालों में भी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चोटियों को खींच देंगे जिससे कि वॉल्यूम दिखे हमारी चोटी में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरी साइड बनाएंगे चोटी को, तो इस तरीके से दूसरी साइड मैंने घुमा दिया है और चलिए अब मैं दूसरी साइड बना के दिखाती हूँ। तो देखिए उस साइड हमने लेयर छोड़ा था, अब इस साइड के भी हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अगेन जैसे हमने उस साइड बनाया था चोटी, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी बनाना है। और जो लेयर हमने छोड़ते गए थे उस साइड से, वो वाले लेयर इसमें अटैच करते जाएंगे। ओके, बहुत प्यारा लगने वाला, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किस किस को ये हेयर स्टाइल पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से सेम जैसे हमने उस साइड बनाया था उसी तरीके से सेम इधर भी बना लेंगे चोटी को। और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी हेयर स्टाइलिश से रिलेटेड, मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो मेरे चैनल दूसरे सेकंड चैनल पे आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाइएगा और चेकआउट कीजिएगा। तो इस तरीके से पूरी चोटी को मैंने यहाँ पर गूँथ लिया है सारे लेयर्स को लेते हुए। जितना हमने उस साइड की चोटी को गुथा था उतना ही इधर भी बनाना है, गुथना मतलब ब्रेड बनाना, चोटी मतलब ब्रेड एंड गुथना चोटी ब्रेड बनाना। तो सिंपली इसको बना लिया है, रबड़ बैंड लगा दिया है, सेम कलर का रबड़ बैंड यूज़ कीजिएगा। अगेन इसको हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे जिससे कि हमारे जो चोटी है वो अच्छी दिखे एंड वॉल्यूम दिखे। और जहाँ से आपकी स्कैल्प दिख रही है वहाँ पर आप इस तरीके से कर दिखे, कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारी ब्रेड बन के रेडी हो गई है। ब्रेड का फाइनल लुक कैसा है ये मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे जिससे कि स्कैल्प ना दिखे। और कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है फाइनल लुक, बिल्कुल न्यू फ्रेंच चोटी है। अब चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आपको दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइज।
और ट्राई जरूर कीजिएगा गाइस, बहुत प्यारा लगेगा। छोटी बच्चियों के हेयर पे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, बड़े भी हो आप, बहुत लॉन्ग हेयर है तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले एक पोनी बना लेनी है। पोनी बना के आपको क्या करना है, बहुत आराम से बना लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पोनी बना लिया, थोड़ा सा लेयर लेंगे ऊपर से बालों का, उसमें एक क्लचर ऐड करेंगे, इस तरीके से लेयर को लेंगे एंड एक क्लचर ऐड कर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से क्लचर लगाने के बाद से ऊपर से जितने हेयर हैं उनको ऊपर से ले आएंगे एंड इसमें एक फ्रेंच चोटी बनाएंगे, अच्छे से इसको सेट हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसमें चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से क्लचर को हाइड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लेयर लिया है बालों का, देन इसको सिंपली चोटी गूंथना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लेयर इसमें ऐड करते जाएंगे बालों का, पूरा एंड तक आपको इसी तरीके से गूंथना है। पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो, तभी अच्छे से समझ में आएगा गाइस कैसे बनाना है। इस तरीके से अब जो नीचे की चोटी है उसके हेयर को भी थोड़ा थोड़ा लेके इसी में ऐड करते जाना है। ओके, फाइनल लुक एंड तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा लेयर लिया है और इसमें मिक्स करके चोटी को बनाते जाएंगे, ब्रेड बनाते जाएंगे अपना। ये वाला हेयर स्टाइल भी आप खुद से भी कर सकते हो, थोड़ी सी ट्राई करने की ज़रूरत है एंड दूसरे किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरीके से बना लिया है, अगेन इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे कि हमारी चोटी का लुक जो है वो बहुत वॉल्यूमिनस दिखे, वॉल्यू दिखे और एंड बहुत चौड़ा दिखे। अब इस तरीके से क्लचर को हाइड करेंगे और दो तीन यू पिन ऊपर लगा देंगे। ओके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और कैसे लगाना है पूरा एंड तक देखते रहिए, यहाँ से भी लगा देंगे ताकि हमारा जो रबड़ बैंड है वो भी हाइड हो जाए एंड रबड़ बैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे भी लगाएंगे। ओके, इस तरीके से क्लचर को पूरा अच्छे से हाइड करते हुए एक एक यूपिन और ऐड करेंगे। अब यहाँ से अगेन लगाएंगे जिससे कि हमारा रबड़ बैंड जो है वो भी हाइड हो जाए और हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा गाइस। अब जो इसका फाइनल लुक है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये कॉलेज गर्ल्स पे भी बहुत प्यारा लगेगा। स्कूल जा रही हैं, आपको वन चोटी अलाउ है तो भी आप ये बना सकते हो। आई होप कि आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, यह हेयर स्टाइल का पूरा फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सेकंड चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट चैनल को जैसे आपने सपोर्ट किया वैसे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय गाइज़।